हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संचिता। आज चलिए उनकी आराधना करें जिनकी वजह से हम सुर और ताल समझ पाते हैं। आज हम सीखेंगे एक सरस्वती वंदना। चलिए देखें किस राग पर आधारित है और कौन सी ताल बज रही है इस वंदना में। इस सरस्वती वंदना में जो ताल बज रही है वो है तीन ताल, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। तीन ताल का ठेका है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब हम देखेंगे कि ये सरस्वती वंदना ताल की किस मात्रा से शुरू हो रही है। ये जानने के लिए हम इस गीत की पहली लाइन को गाकर देखेंगे और ये देखेंगे कि किस शब्द पे हम ज्यादा वजन या स्ट्रेस देते हैं। तानपुरा है ए शार्प स्केल पर सा म, सा माता सरस्वती शारदा। दा पे हमने स्ट्रेस दिया, तो दा के पहले जितने भी शब्द हैं उन्हें हम लगाएंगे ताल की विभिन्न मात्राओं के ऊपर। माता सरस्वती शारदा, दा पे स्ट्रेस दिया तो हम इस शब्द को रखेंगे सम पे, यानी ताल की पहली मात्रा पे। और जब हम विभिन्न मात्राओं पे लगाएंगे इन शब्दों को तो हम देखेंगे कि ये गीत सातवीं मात्रा से शुरू होता है। कैसे? धा धिन धिन धा, धा धिन माता सरस्वती शारदा। हे माता सरस्वती। इस वंदना में कोमल रे ग धनी का प्रयोग हुआ है, तो इससे ये साबित होता है कि ये वंदना राग भैरवी पर आधारित है। लेकिन इस गीत की नोटेशंस को देखने पे आप पाएंगे इसमें कोमल रे के साथ शुद्ध रे भी लगा है, कोमल ध के साथ शुद्ध ध भी लगा है, यहाँ तक कि तीव्र म भी लगा है। राग भैरवी में ये सभी स्वर लग सकते हैं क्योंकि ये संपूर्ण जाति का राग है, लेकिन इन सभी स्वरों का अल्प प्रयोग होगा, यानी शुद्ध रे, शुद्ध ध, तीव्र म अल्प प्रयोग में दिखेंगे, कम प्रयोग होगा। आइए जाने राग भैरवी का राग परिचय। थाट यानी ग्रुप जिसमें इस राग को रखा गया है वो है भैरवी। राग भैरवी थाट भैरवी का आश्रय राग है, यानी मेन राग है इस थाट का। और थाट भैरवी में लगते हैं स्वर रे ग धनी, ये चारों स्वर कोमल लगते हैं। जाति है संपूर्ण संपूर्ण, यानी आरोह में सातों स्वर गाए जाएंगे और अवरोह में भी सातों स्वर गाए जाएंगे। राग भैरवी में रे ग धनी के अलावा भी स्वर लगते हैं, जैसे शुद्ध ग, शुद्ध ध, तीव्र म, ये सभी लग सकते हैं क्योंकि ये संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। वादी स्वर जो सबसे ज्यादा गाया जाएगा वो है म, संवादी स्वर सा। संवादी स्वर वादी स्वर से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज्यादा गाया जाता है। समय है प्रातः काल। आइए देखें इस राग का आरोह अवरोह और पकड़। सा रे ग नोटेशंस देखते हैं। ग प ध सा रे सा ध प म ग आ, 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 आ,
नोटेशंस देखते हैं। माता सरस्वती सा समरे सा शारदा गम पध प प का कर्ण स्वर है यानी टच करना है बस प को गम पध प शारदा र प का कर्ण टच करके ध बोलना है शारदा। सेकंड टाइम माता सरस्वती ग ग म म ग रे सा शारदा माता सरस्वती सरस्वती माता ग ग सरस मम गवती रेसा माता सरस्वती माता सरस्वती ग ग मम ग रेसा शारदा हे गरे माता सरस्वती शारदा। वन यहाँ पे ऑफ बीट से शुरू है ये लाइन विद्या दानी पधपनी धपम गरे विद्या दानी पधपनी धपम गरे दयानी गम दुख हरिणी ग ग म रे ग कोमल ग का कर्ण स्वर है रे रे सा दुख हरिणी जगत जननी निसा ग म प प म जगत जननी ज्वाला म पध प प ग मुखी ग म म म म म ग म म म म म माता जगत निसा ग जननी म प प म ज्वाला म प ध प प ग मुखी ग म म म म म माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा। यहाँ पे एक वेरिएशन है अलग तरह से गाना है विद्यादानी दयानी दुख हरिणी दयानी ग पध सा नी ध नी ध प म ग दुख ग ग म
रे रे सा दयानी ग प ध सा नि ध नी ध प म ग दुख ग ग म रे रे सा हरिणी। एक साथ कैसे गाना है? विद्या दानी दयानी दुख हरिणी। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। कीजे सुदृष्टि कीजे गमध गरे सा। जल्दी जल्दी बोलना है। गरे सा ए, 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 ध पे रुकना है, प पे रुकना है और म ग करना है। नीरे सा
आपको पहले धीरे प्रैक्टिस करनी है आकार में भी। अब हम इस पूरी लाइन को एक साथ देखेंगे। बुद्धि अलंकार बुद्धि अलंकार। वर्ड को तोड़ना नहीं है बीच में। अब एक साथ पूरा कैसे गाएंगे? बुद्धि, यहां रुक सकते हैं, अलंकार को तोड़ना नहीं है बीच में। बुद्धि अलंकार माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। तो इस वंदना की नोटेशंस लिख लीजिए और सुबह सवेरे आप इस वंदना को गा सकते हैं, क्योंकि राग भैरवी तो प्रातः काल का राग है। तो इसी तरह माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। नमस्ते।